गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे। जो हम लेसन कर रहे थे कक्षा 3 का EVS का, यह है मेरा परिवार। हमने आशा के बारे में पढ़ा था, है ना? यस। और लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आपके परिवार के सदस्य से आपका क्या क्या मिलता है, है ना? जैसे यहाँ पे लिखा था ना, पापा से क्या मिलती है? आंखें। मम्मी से क्या मिलती है? बाल। बाल, ठीक है। तो आप इसी प्रकार अपने ये एक्सरसाइज करके जो डालनी थी, बहुत से बच्चों ने डाली है ये। आज हम करेंगे उससे आगे बातें दीदी से। क्या है? बातें दीदी से। आशा की मोना दीदी से खूब बनती है। किससे बनती है? मोना दीदी से। वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती हैं। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा। क्या सीखा? रंगोली बनाना। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। सोचो और लिखो, तुमने अपने परिवार में किससे क्या सीखा है। ठीक है, आपके परिवार में जैसे मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, उनसे आपने क्या क्या सीखा है? मैंने अपने पापा से आत्मविश्वास और मम्मी से हंसमुख रहना सीखा है। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, तुम अपने मन की बातें किससे करते हो? मैं अपने मन की बातें अपनी मम्मी से करती हूँ। वेरी गुड। जब तुम नाराज होते हो तो किसके पास जाते हो? जब मैं खुश नहीं होती हूँ तो मैं पापा और मम्मी के पास जाती हूँ। वेरी गुड। आगे है लेसन में आई दिवाली, इसके बारे में पढ़ देते हैं। आगे है आई दिवाली। ठीक है, आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। वैभव बाजार से पटाखे खरीदने की जिद करने लगा। मोना दीदी ने कहा, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है, इनसे निकलने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद सब ने घर की सजावट की। पड़ोस की सीमा चाची ने मिठाइयां बनाने में उनकी मदद की। रात को दिए जलाए और पूजा की। इसके बाद सब ने मिलकर खाना खाया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है, कौन से त्योहार की बात हो रही है यहाँ पर? दीपावली। दीपावली की। और दीपावली के दिन क्या किया जाता है? पूजा। पूजा की जाती है। और बच्चे क्या करते हैं? पटाखे। पटाखे जाते हैं। और क्या हमें पटाखे चलाने चाहिए? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसके धुएं से सांस लेने में तकलीफ होती है। यस, ठीक है, तो हमें सिर्फ घी के दिए ही जलाने चाहिए, है ना? यस सर। तो सोचो और लिखो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हमारे परिवार में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, रक्षाबंधन, दुर्गा अष्टमी, रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा, तीज इत्यादि त्योहार मनाए जाते हैं। यस, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं जो समाज में मनाए जाते हैं। तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने की कौन कौन सी चीजें बनती है? जब कोई त्योहार आता है तो विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं ना? Yes, sir. तो तुम्हारे घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं जब कोई भी त्योहार आता है तो? पूड़े, हलवा, हलवा, पूरी, पूरी, खीर, खीर। तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्योहार मनाते हो उनके नाम लिखो। आपके साथ जो रहते हैं पड़ोस में, ठीक है, तो उनके साथ आप कौन कौन से मिलकर त्योहार मनाते हो? दिवाली, होली, दशहरा, बसंत पंचमी, वैशाखी, यस, आदि। ठीक है, तो बहुत सारे त्योहार हैं जो हम पड़ोसियों के साथ मनाते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे लेसन में क्या है। दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। कौन सा त्योहार था? भैया दूज। आशा की बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए। बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को तिलक लगाया। आशा ने वैभव को तिलक लगाया और
मिठाई खिलाई। ठीक है, तो जो दिवाली के बाद कौन सा त्योहार आता है? भैया दूज। और भैया दूज के दिन क्या करते हैं? भैया को तिलक लगाते हैं। भैया को तिलक लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, है ना। और आशा की बुआ जी वहां पर क्यों आई? अपने भैया को तिलक लगाने। यस, और वो उनके भैया कौन कौन थे? आशा के पिताजी और आशा के ताऊ जी, है ना। दोनों क्या थे? वो आपस में भाई भाई थे, है ना। तो उन सभी को, उन दोनों भाइयों को तिलक लगाने उनकी बुआ जी उनके घर आई थी। ठीक है, अब बताओ दिए गए रिश्तों के नाम लिखने हैं आपने। ठीक है, ये सोचकर बताना है आपने। एक्टिविटी करते हैं एक बार। ये जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ है रिश्ता और दूसरी तरफ है रिश्ते का नाम। जैसे पिताजी के पिताजी, यानी कि आपके पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी आपके क्या लगते हैं? दादाजी। और पिताजी की माताजी क्या लगती हैं? दादीजी। पिताजी के बड़े भाई? ताऊजी। ताऊजी। पिताजी के छोटे भाई? चाचाजी। पिताजी की बहन? बुआजी। बुआजी। माँ के पिताजी? नानाजी। माँ की माताजी? नानीजी। माँ के भाई? मामाजी। और अंत में है माँ की बहन? मौसी जी। ठीक है, ये सब थे हमारे रिश्ते। ये सब आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगली जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं क्लास के अंदर। आपको पिक्चर में अब क्या दिखाई दे रहा है? दो पेड़ हैं, और ये एक तरफ है शिवानी का परिवार वृक्ष और दूसरी तरफ है आशा का परिवार वृक्ष। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या क्या था। इसमें आशा के परिवार में कौन कौन से सदस्य थे? माँ, पिताजी। माँ थी उनकी, पिताजी थी, ठीक है ना, और एक उनकी छोटी बहन थी, तो और एक आशा थी। और उधर शिवानी के परिवार में कौन कौन थे? दादा, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, ठीक है, मम्मी और पिताजी। और क्या था, उनका एक भाई था और उनकी एक बहन थी, है ना, और एक खुद कौन थी? शिवानी। तो आपको भी ऐसे ही अपने परिवार का एक चित्र बनाना है और उनके ऊपर सभी की पिक्चर लगानी है। ठीक है, तो आप सब ये करेंगे। ठीक है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे, उनके फोटो चिपकाएंगे और वृक्षों में रंग भर देंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी आपके लिए है और ये सभी एक्टिविटी आपने करनी है। ठीक है, तो बच्चों आज का लेसन हम यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।